सियासत व्यापार खेडां ते फिल्म जगत दे नाल देश दुनिया दी हर वड्डी खबर दे लई हुणे डाउनलोड करो देश दी नंबर वन न्यूज ऐप दैनिक सवेरा टाइम्स। तुसी सब देखदे आ कि किन्ना पैसा प्रधानमंत्री जी नूं फंड दे रूप ते कोविड 19 दा गया वा, वो कित्थे गया पैसा, लोकां तक नहीं पहुंच पाया। असी सरकार वेले मंग करदे हां वी जेकर तुसी किसे गरीब दी किसे दुकानदार दी मदद करना चाहते हैं तो सीधे रूप दे विच उहनां नूं कर सकदे। कलॉथ डीलर एसोसीएशन पीर बोतना के बाजारदार जिहड़े दुकानदार हैगे उहनां वल्लों अज केंद्र सरकार ते पंजाब सरकार दे उत्ते काफ़ी रोष कढ़िया गया, की कारण है रोष कढ़न दा? साडे नाल गल्लबात करन लई इस टाइम मौजूद है रमन अरोड़ा जी। रमन जी, की रोष है तुहाडे च? साडा रोष वीर जी यही है भी सरकारां ने साडी कोई व्यापारियों की हैल्प नहीं की। असी ये चाहते हाँ भी व्यापारी वास्ते भी कुछ ना कुछ सोचा जाए, जिस तरह मानयोग प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि 20,000 करोड़ रुपया असी लोगों की मदद वास्ते दिता है, पर व्यापारियों को कोई मिलने की आस नज़र नहीं आ रही है। साड़ी सरकार वाले यही मंग है भी साडा कुछ ना कुछ सोचा जाए, सानू भी वो कुछ ना कुछ हिस्सा व्यापारी भरावों को दिता जाए। किदां दी सोच तुसीं चाहुंदे हो सरकार किदां दी सोच तुहानूं दवे? साडे देखो तुहानूं पता ही है 3 महीने तां दुकानां तकरीबन बंद रहियां जी, पर उहदे च सानूं बिजली दे जिहड़े बिल है उह सानूं एवरेज दे आधार दे उत्ते पा दित्ते गए। ऐसा नहीं होना चाहिए, जे साडियां दुकानां ही बंद है तो उत्ते बिजली कद है, असीं यूज ही नहीं कीती, पर उहनां ने विद इंट्रस्ट साडे कोल बिजली दे बिल लिते है। रमन जी, इह सिर्फ तुहाडे कोल नहीं ले, बाकी लोकां कोल वी ले। वीर जी मैं उही देखो सुनो, मैनूं दर्द मैनूं है, लोगों के दर्द ने भी लोगों ने तुम्हें आके दसना, मैं दर्द अपना तुम्हें दस दिता है, लोगों के दर्द भी तुम्हें लोग दसनगे, पर जी साडे भरावां नूं मुश्किल है वो असी तुम्हें दस दिती है। केंद्र सरकार कहती असी इन्ना कुछ दिता, पंजाब सरकार कहती असी इन्ना कुछ दिता, आखिर गया कितने? वीर जी ये तो तुम सब समझते हो, मीडिया कोई गल छुपी नहीं है, लोगों कोई गल छुपी नहीं है, तुहानूं भी पता वै किसी दे देखो अज तुसी पेपर पढ़ते हैं मीडिया के हर चीज़ आती है, गरीब भी रो रहा है, किसान भी रो रहा है, दुकानदार भी रो रहे हैं, फैक्ट्री वाला भी रो रहा, पैसा कितने गया ये तुम सब समझदार हो, तुम सब देखते हैं भी कितना पैसा प्रधानमंत्री जी ने फंड के रूप से कोविड 19 का गया वा, वो कितने गया पैसा, लोगों तक नहीं पहुँच पाया, रस्ते दे विच खुरद बुरद हो गया पैसा। असी सरकार वाले ये मांग करते हैं भी जेकर तुसी किसी गरीब की किसी दुकानदार की मदद करना चाहते हैं तो सीधे रूप दे विच उन्हां दी कर सकते हैं, उन्हां दे बिजली दे बिल माफ़ कर दिओ। मैं ये नहीं कहता वड्डे जिन्हां लोगों को पैसा हैगा वा जिहड़े इंडस्ट्री ने जिहड़े अच्छे ने उन्हां दे ना करो, कम से कम जिहड़े निम्न दबके दे लोग ने जिन्हां दे बिल बिजली दे 3-4 हज़ार रुपया रहे हो सीधे तौर दे उत्ते माफ़ कर दिओ, कम से कम लोगों नूं पता लगे भी हाँ मेरे अकाउंट दे विचों कुछ ना कुछ पैसा लैस होया वा। असीं ये चाहते हैं भी सरकार सीधे तौर दे उत्ते साडी हैल्प करे। किदां दी राहत चाहते हो? साड़ी EMI जिहड़ी हैगी आ बैंकां दीआं उन्हां दे विद व्याज सानूं पैसे इन्हां ने दित्ते आ, असीं कहिंदे उह व्याज माफ़ कीते जाए, जिस तरह कि तुहानूं कनेडा दे विच गौरमेंट ने लोकां दे लोकां दुकानदारां दे उन्हां दे अकाउंटां दे विच पैसे पाए आ और उन्हां नूं कहा भी तुसीं 2 साल पैसे नूं यूज़ कर सकदे आ, असीं 2 साल इन्हां पैसों की डिमांड नहीं करेंगे। इस तरह भारत सरकार भी साडे अकाउंटां दे विच कुछ पैसे पावे जिन्हां नाल असीं अपना व्यापार द्वारा चला सकीए। इस वेले व्यापार की स्थिति कोई इन्नी वधिया नहीं हैगी, व्यापार तो वैसे ही बहुत अगे नालों घट गया, असी सरकार अगे मंग करते हैं कि सानू सीधे रूप दे विच कोई 5-5, 10-10 लाख 20-20 लाख रुपया साडे अकाउंटां च पाए उहदे नाल असी अपने व्यापार नूं वधाईए। जिद्दां तुसीं दस्सिया कि सरकार साडे अकाउंटां च 5-5, 10-10 लाख रुपया पाए, तुहाडे अकाउंटां च 5-5, 10 लाख रुपया क्यों पाए, बाकी भी जनता जनार्दन है ना? वीर जी मैं यही तुहानूं दसना चाहुंदा वां, मैं यही नहीं कहिंदा भी उहनां दे ना पाए, उहनां दे भी पावे। देखो तरक्की जिहड़ी आ जे मेरे को कल्ले नूं पैसे पा दिओगे मेरा की फायदा, मैं कहना सारे नूं पैसे पाओ, सारे व्यापारी भरावां दे अकाउंटां च पैसे जाने चाहिए आ। देखो कोई दुध वाला वा, मैं दुध लैन जाना, दुध लिता, दुध वाले ने राशन वाले नूं पैसा दिता, राशन वाले ने कपड़े वाले नूं पैसा दिता, कपड़े वाले ने इंडस्ट्री वाले नूं पैसा दिता, किसी ने कोई चीज़ वो पैसा सर्कुलर घूमता। जे मेरे कल्ले को पैसे दा तां कोई तुक्की नहीं, मैं कहना जी मैं तो कहना सब नूं पैसा मिलना चाहिए वा, सारे नूं थोड़ी थोड़ी हैल्प होनी चाहिए जिहदे नाल पैसा मार्केट दे विच आवे और लोग वधिया तरक्की कर सकन। कोविड 19 के कारण काफ़ी नुकसान हुए, कई लोगों की जाना भी चले गई, ठीक है जी, ये बारे की कहना? देखो ये अवेयरनैस है,
जेकर गौरमेंट ये कह रही है भी तुसी अपने आप नू थोड़ा जा संभालो तो सानू संभालना भी चाहिए, मास्क पहनना चाहिए वै, सोशल डिस्टेंस रखने चाहिए है, हाथ सैनिटाइजर करने चाहिए ने, पूरा सानू अपना ध्यान रखना चाहिए वै। देखो ये जिहड़ी महामारी बीमारी आ ही गई है, देखो देश दे विच कई तरह दियां बीमारियां अगे भी फैलदियां रहियां ने, पर यह जिहड़ा काम होया वै ये तो एक बहुत ही भयानक है। अज मेरी उम्र तकरीबन 50 साल की हो गई, मैं अज तक कभी ना एक गल कभी सुनी सी भी अज तक ट्रेना बंद हो गई जी, मंदिर बंद हो गए जी, गुरुद्वारे बंद हो गए जी, यहोजी चीज़ा असी कभी नहीं सी सुनिया है। तो ये COVID-19 करके है, जे देखो ऐसा जहा भयानक माहौल आ ही गया वै तो सानू अपने आप में थोड़ा अवेयर करना पड़ेगा। तो जिहड़ा काम है फैशन का, दिन अज फैशन हो रहा, कल फैशन हो रहा, परसों फैशन हो रहा, जे गल करा नुकसान की, किन्ना कु नुकसान हो चुका तुहानू? भाजी बहुत ज़्यादा नुकसान होया। देखो फरवरी दे विच साडे स्टॉक आते हैं गर्मियों के, चार चार महीने तीन तीन महीने दुकाना बंद रह गई, वो सारा फैशन का स्टॉक तो खत्म ही हो गया जी। गर्मियों का जिहड़ा काम हैगा वो फरवरी मार्च अप्रैल मई बस ये चार महीने होंगे, वो सारे लॉकडाउन के चले गए, इस करके हुण माल सारा तकरीबन डेड ही है, ट्रांसपोर्टा के बहुत माल पे ने, ग्राहकी है नहीं है, इस करके कपड़े का तो बहुत ज़्यादा नुकसान होया जी। पेट्रोल और डीजल के दाम लगातार बढ़ते पे, ये उत्ते भी कोई नुकसान होया तुहाडी एसोसीएशन नूं या व्यापारी वर्ग के जुड़े जिहड़े लोग हैगे जुड़े हैगे उन्होंने? सर पंजाबी च कहीए तो सोने तो सुहागा, अगे ही असी महंगाई की मार च फसे पे सी, ग्राहकी है नहीं सी, उपरों डीजल महंगा हो गया, ट्रांसपोर्टेशन महंगी हो गई, जिहड़ा नग पहला 300 रुपये चाहता सी 500 रुपये चाहन लग पिया, साडे लड़के कलैक्शन ते जांदे ने, गड्डी ते जांदे ने, डीजल वध गया, होर बोझ साडे उत्ते पै गया, नवा एक बोझ होर सरकार ने पा दिता वै, बच्चों दियां स्कूलों दियां फीसां एडमिशन वह भी बोझ पै गया। हुण लास्टली तुहाडी मंग की है, अगर जे तुहाडी जिहड़ी मंग है मंग ना पूरी कीती गई तो अगला स्टैप की होएगा? देखो व्यापारी जिहड़े हैगे वह शांति प्रिय बंदे हुंदे ने, शांति दे नाल ही माहौल संदौरे पूर्ण होएगा तो साडा व्यापार वधदा। देखो असी तो यही डिमांड कर सकते हैं वध तो वध भी गौरमेंट साडी झोली दे विच भी इन्ने रुपये जे वो लोगों को वंड रही है व्यापारियों की झोली च भी कुछ ना कुछ पाए, जेकर गौरमेंट साडी गल नहीं मानती तो असी तो शांतिपूर्वक लोग हाँ, साडा देखो असी अपने वल्लों सरकार नूं कह सकते हैं और सरकार ऐसी गल नहीं है, सरकारां साडियां बहुत समझदार ने, वो साडियां गल्लां नूं मन्नणगियां भी, जे अज वो देश चला रही वै तो उन्होंने साडे बारे भी सोचना पैंदा वै, उन्होंने भी पता वै भी साडे जिदा एक माँ वा उन्होंने पता वै भी मेरे कि पुत्र कि तकलीफ है, उस तरह असी भी भारत माता के बच्चे हाँ व्यापारी वर्ग हाँ, उन्होंने भी साड़ी पता वै भी इन्हों की मुश्किल ने, और मैं पूरी उम्मीद है कि एज ए मीडिया के थ्रू ये सरकार को गल पहुँचेगी। मैं मीडिया का बहुत बहुत धन्यवाद करदा कि अज देखो आधुनिक तौर के उत्ते एक मीडिया ही ऐसा माध्यम है जिदे थ्रू असी कोई भी गल सरकार तक पहुँचा सकते हैं। जिहड़ी तुहानू दिक्कत आ रही है इनू लैके तुसी अपने जिहड़े MLA हैगे या MP हैगे उन्होंने मिले हो? देखो आप जी नू पता ही है कि ये साडी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस है और इहदे विच असी अज मीडिया के थ्रू ये सारे ही जिहड़े साडे मंत्री ने मुख्यमंत्री जी ने साडे मानयोग प्रधानमंत्री जी ने या जिहड़े भी साडे इस दे नाल यूनिट दे नाल मंत्री ने उन्हां तक असी आवाज़ पहुँचाना चाहुंदे हां भी जल्द तो जल्द साड़ी झोली दे विच कुछ पाओ ताकि असी व्यापार नूं अपने वधाईए और अगे नालों भी ज़्यादा सरकार नूं टैक्स देईए, इहदे विच असी अपना गौरवंत महसूस करांगे। साढ़े ना होर भी व्यापारी वर्ग के लोग हैगे जुड़े है उन्होंने भी गलबात, सर की मंग है अपनी? मंग तो साड़ी सिर्फ एको ही है जी कि व्यापार जिहड़ा साडा इस वेले बैड टू वर्स्ट हो गया, बिल्कुल व्यापार नहीं रहा, 10-15% व्यापार रह गया, खर्चे वध गए, असी देखो जो कुछ भी है अज जो अपनी सेविंग जो सीगियां वो इनवैसट करके री इनवैसट करके उस नाल अपना बिजनेस पुल ऑन कर रहे हैं। अज सानू TDS वगैरह जो असी 31 मार्च नू भरना सी लॉकडाउन असी तो नहीं किया, सरकार ने सानू कहा लॉकडाउन कर दिओ, असी उन्हां दे इशारे तो ही एक मिनट असी लोगों ने दुकाना बंद करके एक्सटेंड भी करते गए, असी कोई असी साड़ी फेवर लई सीगा साड़े बेहतरी लई सी असी कोऑपरेट कीता वा, जिस दिन
दुकाना खुलियां ने 18 मई नू इन्होंने रीओपन कीतियां ने दुकाना TDS भरिया साढ़े कोल विद इंटरस्ट इन्होंने लिता साडा टैक्स नहीं बनता एडवांस लेकिन वॉलंटरी असी टैक्स जून की पहली किश्त इंस्टॉलमेंट भर दी है असी सरकार को उम्मीद करते हैं सरकार को भी आस कर रखते हैं कि जिदा 20 लाख करोड़ रुपया सानू पता लगे कि 20 लाख करोड़ रुपया कितने गया वा कुछ साढ़े भी कुछ उनके साडा भी शेयर है कि नहीं कोई कुछ साडा शेयर हो सू भी करो सानू भी डिस्ट्रीब्यूट करो या सानू भी कहो लो भी व्यापारी जरा वह भी समझ 3-3 महीने दुकाना बंद हो साडा सीजन जरा सा मैं कम करदा मिसाल के तौर पर कपड़े का मैं लेडी सूट फैंसी लेडी सूट बेचदा मेरा 2 महीने का कम है मैं मार्च अप्रैल मेरी मेन सेल होंगी है दोनों वह हो गई मैं मेरा टूर का कम है मैं माल बेचन जाना अमृतसर मैं माल बेचदा लुधियाने मैं बेचदा चंडीगढ़ मैं बेचदा पंचकूले मैं जीरकपुर जाना वा मैं दूर दूर जाना मंडियां च अज मेरा गड्डियां अगे मुंडे बंदे साडे सेल्समैन जिहड़े बसां ते चले जांदे सन अज सानू अपने ड्राइवर स्पैशल रखने पए ने दो दो सेलमैन एक एक जांदे आ एक टाइम पीरियड बड़ा टाइम घट हुंदा वा लोग उत्थों नठदे ने जिहड़ी सानू कलैक्शन जिहड़ी असीं मार्केट तों 2 लाख मिसाल दे तौर ते लैंदे सानू उत्थों 20,000 रुपया अज मिलदा पिया वा साढ़े खर्चे वध गए ने डीजल पेट्रोल वध गया वा साडा बिजनेस दा लॉस हो रहा वा सानू सरवाइव करना इस वे बहुत औखा होया था आप जी की मंग की है हुण मंग साडी ये भाई है जे सानू कोई किसी तरीके साडे जिदा हुण इंटरस्ट नाल लै रहे सानू सानू कोई इनकम टैक्स वेव ऑफ कर दे कोई बिजली दे बिल वेव ऑफ कर देन कोई साडे बाई दे बैंकों तो सानू कोई विदाउट इंटरस्ट लोन दे देन ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਜਿਹੜਾ ਪੁੱਲ ਆਨ ਕਰ ਸਕੀਏ ਹੋਰ ਸਾਡੀ ਕੀ ਮੰਗ ਹੈ ਬਾਕੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਵਪਾਰੀ ਆਦਮੀ ਆ ਵਪਾਰੀ ਆਦਮੀ ਪੀਸ ਲਵਿੰਗ ਹੈ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਅਪੀਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਅਪੀਲ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਬਿਹਤਰ ਸਮਝਵਾਇਆ ਮੀਡੀਆ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਅਸੀਂ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ MLA ਨੂੰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਥਰੂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਬਾਤ ਹੈ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਇਹ ਸਾਡੇ ਤੁਹਾਡੇ ਥਰੂ ਅਸੀਂ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਥਰੂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਅਗਰ ਉਹ ਦੇਖਣਗੇ ਗੌਰ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਅਪਰੋਚ ਕਰਨਗੇ ਵੀ ਦੱਸੋ ਆਪਣੀ ਤਕਲੀਫ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਗੇ ਬਾਕੀ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਲੋਕਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰ ਦਿਓ ਜੀ ਗੱਡੀਆਂ ਰੋਕ ਦਿਓ ਜੀ ਜਾਂ ਅੱਗਾਂ ਲਾ ਦਿਓ ਜੀ ਉਹ ਕਰ ਦਿਓ ਜੀ ਇਹ ਕਰ ਦਿਓ ਜੀ ਡਿਮਾਂਡ ਨਾ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵੈਸੇ ਵੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਸਾਡੀ ਉਹ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੈ ਉੱਧਰੋਂ ਨੇਪਾਲ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਸਗੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਪੈਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਅਸੀਂ ਹਰ ਤਰੀਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਅਸੀਂ ਐਜ਼ ਏ ਸੋਲਜਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਸਿਪਾਹੀ ਜਿਹੜੇ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਐਜ਼ ਏ ਬਿਜ਼ਨਸ 'ਤੇ ਲੜਾਂਗੇ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਕੇ ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਟੈਕਸ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਲੇਕਿਨ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਪੁੱਲ ਆਨ ਕਰਨ ਲਈ ਜੇ ਅਗਰ ਸਾਨੂੰ ਕਰ ਜੇ ਅਗਰ ਕਰ ਸਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੰਪਲਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਡੀ ਹੈਲਪ ਕਰੇ ਸਾਡੀ ਇਹ ਡਿਮਾਂਡ ਇਹ ਸੀ ਕਲੋਥ ਡੀਲਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪਦਾਧਿਕਾਰੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਗਰ ਜੇ ਬਾਕੀ ਵਰਗ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਵਰਗ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਸੋਚਿਆ ਜਾਵੇ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਜਤਿਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਨੇ ਸ਼ਰਮਾ ਦੈਨਿਕ ਸਵੇਰਾ ਟੀਵੀ ਜਲੰਧਰ ਦੁੱਖ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਦੁੱਖ ਤਾਂ ਬਸ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਨਾਲ ਸੀ ਪਰ ਮੈਂ ਕਦੇ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਸਕਿਆ All World Open Challenge 17-time gold medalist Mia Rafiq Mohammed Pandit Maulvi Begum Tantrik inna chora thagga to savdan specialist Vashikaran satta number love marriage pati patni ch anban videsh ch pakka hona karobar da na chalna sirf 31 ghantiyan vich samadhan free Mia Rafiq Mohammed mobile 84374 94647 84374 94648